दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर ये जियो एयरटेल और वी आई ने दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर दिया 1 मार्च से जो डीओटी भारत सरकार यहाँ पे सेल लगा रहा है दोस्तों, स्पेक्ट्रम की सेल लगने वाली है उसके अंदर यहाँ पे जियो एयरटेल वी आई दोस्तों भाग लेने वाले हैं, अच्छा खासा स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेस करने वाले हैं। किस तरह से जियो और एयरटेल के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम परचेस करने के लिए, 5G लाएंगे दोस्तों, किस तरह से सारी चीजें होने वाली, एग्जीक्यूशन होने वाला है, सरकार को कितना फायदा होगा दोस्तों इस सेल से, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फैंस। फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत सरकार 1 मार्च से 4G स्पेक्ट्रम की सेल लगाने वाली दोस्तों, बड़ी सेल होने वाली जिससे भारत सरकार हजारों करोड़ों का फायदा करने वाली, बहुत बड़ी सेल होगी, अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाएगा टेलीकॉम कंपनीज को, कुछ EMI ऑप्शन भी हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, जहां पे जियो एयरटेल और वी आई ने दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर दी अपनी दोस्तों, बिडिंग की इच्छा यहाँ पे जाहिर कर दी। इसका मतलब जो अभी तक बातें चल रही थी कि हो सकता है शायद इनमें से कोई कंपनी यहाँ पे भाग ना ले, क्योंकि AGR के कर्ज के अंदर दोस्तों एयरटेल और वी आई जो है दबे हुए हैं, लेकिन अब क्लियर हो चुका कि तीनों ही कंपनी जियो एयरटेल वीआई यहां पे भाग लेने वाली है। कितना स्पेक्ट्रम परचेस करेगी, कौन से बैंड पे परचेस करेगी तो देखेंगे, क्योंकि सरकार फिलहाल दोस्तों यहां पे 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज के बैंड पे ही यहां पे नीलामी कर रही है। हायर जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 3300 से ऊपर 5G वाली वो फिलहाल नहीं बेच रही, तो सिर्फ और सिर्फ 4G के लिए होने वाले, लेकिन ये कंपनियां श्याणी है जैसे दोस्तों यहां पे एयरटेल ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड जो है दोस्तों जो 4G के लिए यूज किया जाता है उसे हैदराबाद में टेस्ट करके 5G डेवलप कर दी, तो एयरटेल तो दोस्तों इसी बैंड के अंदर 5G डेवलप कर सकता है पूरे भारत में, तो दोस्तों एयरटेल इसी को लेने की प्रेफर समझेगा। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या पूरी कैलकुलेशन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहां पे जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया अप्लाई टू बिड इन स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, तीनों ने दोस्तों अप्लाई यहां पे कर दिया स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भाग लेना है, इसका मतलब तीनों ही कंपनी कुछ यहां पे परचेस करने वाली है दोस्तों। देख सकते हैं टेलीकॉम मार्केट लीडर रिलायंस जियो सेकंड लार्जेस्ट दोस्तों, भारतीय एयरटेल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस वोडाफोन आइडिया हैव फाइल एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन दोस्तों। 1 मार्च से जो यहां पे सेल लगने वाली है स्पेक्ट्रम ऑक्शन की भारत सरकार की तरफ से, तीनों ही कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि हम यहां पे भाग लेने वाले हैं दोस्तों। द ऑक्शन ओवर 2300 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स दोस्तों, 2300 मेगाहर्ट्ज दोस्तों, 1800 2300 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम दोस्तों यहां पे जो एयरवेव्स होगी स्पेक्ट्रम की वो बेची जाएगी यहां पे सरकार की तरफ से, ऑलमोस्ट 4.25 लाख करोड़ की कैलकुलेशन सरकार की तरफ से, जहां पे इस पर्टिकुलर ट्रेंच के अंदर 48,000 करोड़ समथिंग का दोस्तों यहां पे हो सकता है, जहां पे ज्यादा स्पेक्ट्रम कौन परचेस करेगा, जियो और एयरटेल की तरफ से बात की जा रही है कि दोनों कंपनी यहां पे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, वीआई कुछ ही पार्ट में यहां पे हिस्सा लेगी ऐसी दोस्तों बात की जा रही है। अभी क्या चीजें हैं दोस्तों मैं बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट है दोस्तों उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 48,000 करोड़ से ज्यादा की बिक्री होने की है, दुकान लगाई है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन होगी तब बिकने वाला है, 48,000 करोड़ से ज्यादा दोस्तों बिक्री हो सकती है। जहां पे बात की जा रही है यहां पे 5G का ऑप्शन फिलहाल ये नहीं है दोस्तों, 5G के लिए बाद में किया जाएगा, लेकिन ये कंपनियां दोस्तों इसको यूटिलाइज कर सकेगी। डीओटी दोस्तों 5G की जो आगे करने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है 3300 और 3600 मेगाहर्ट्ज जो है दोस्तों 5G के लिए उनको फिलहाल यहां पे नहीं बेचा जाएगा, लेकिन 1800 से लेकर 2300 मेगाहर्ट्ज दोस्तों बैंड यहां पे दिया जाएगा, लेकिन ये कंपनियां दोस्तों उसको भी यूटिलाइज कर सकती है। जैसे कि एयरटेल ने दोस्तों जो हैदराबाद के अंदर 5G टेस्टिंग किया ना, वो अपने 4G को ही रिफॉर्म करके 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड था उसको रिफॉर्म करके 5G में कन्वर्ट कर दिया, तो 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज के बीच में दोस्तों के स्पेक्ट्रम मिल जाता है यहां पे एयरटेल को, तो एयरटेल पूरे भारत में उससे ही काम चला लेगा, उसको महंगा वाला स्पेक्ट्रम की जरूरत ही नहीं है, 5G मिल जाएगी 450 MBPS की स्पीड, मोर देन इनफ होती फ्रेंड्स यहां पे। दोस्तों बात की जा रही है कितना खर्चा किया जाएगा, तो जियो और एयरटेल दोस्तों यहां पे अच्छा खासा खर्चा कर सकते हैं, जहां पे जियो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ यहां पे स्पेक्ट्रम परचेस कर सकता है, 20,000 करोड़ अपने पॉकेट से ढीला कर सकता है, सरकार को दे सकता है। एयरटेल की बात करें तो 10 से 15,000 करोड़ दोस्तों एयरटेल भी ऑलमोस्ट जियो जितना ही यहां पे खर्च कर सकता है, लेकिन अगर बात करें यहां पे वीआई की तो वीआई दोस्तों यहां पे कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके एग्जिस्टिंग यहां पे रिन्यूअल आ चुके हैं उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपना रिन्यू करेगा, नया स्पेक्ट्रम फिलहाल यहां पे वीआई परचेस करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हां हो सकता है अगर इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो यूएस से इनका इन्वेस्टमेंट आने वाला ऑलमोस्ट दोस्तों बात की जा रही है यहां पे 25,000 करोड़ समथिंग का इन्वेस्ट आने वाला, अगर वो पैसा आ जाता है तो डेफिनेटली यहां पे वीआई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, लेकिन फिलहाल वीआई की तरफ से इतनी बड़ी अपडेट नहीं है कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन जियो 20,000 करोड़ समथिंग डालेगा, 15,000 करोड़ समथिंग दोस्तों यहां पे एयरटेल जो यहां पे स्पेंड करने वाला है, ऐसी यहां पे बात चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों 1800 से लेकर 2300 मेगाहर्ट्ज का दोस्तों यहां पे बैंड होगा, लेकिन ये कंपनियां उसको यूटिलाइज कर सकती है जिस तरह से एयरटेल वो उसको यूटिलाइज कर सकती है 5G के लिए पूरे भारत में अपनी 5G सर्विस यहां पे दे सकती है, तो कुछ इस तरह से दोस्तों बात चल रही है। एक चीज के लिए
क्लियर हो चुके कि यहाँ पे एक तारीख से जो सेल लगने वाली है उसके अंदर दोस्तों तीनों ही कंपनी पार्टिसिपेट करेगी। अभी तक आशंकाएं लगी हुई थी कि कंपनी आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब क्लियर हो चुका है तीनों कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन दे दी, आवेदन दे दिया है और बहुत जल्द दोस्तों 1 मार्च से यहाँ पे ऑक्शन शुरू होगा जहाँ पे 2300 MHz तक का दोस्तों स्पेक्ट्रम बेचा जाएगा भारत सरकार की तरफ से। यहाँ पे एयरटेल जियो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ऑलमोस्ट दोस्तों, दोनों ही कंपनी 20 से लेके 20,000 करोड़ समथिंग जियो स्पेंड कर सकता है स्पेक्ट्रम के ऊपर, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ समथिंग दोस्तों एयरटेल स्पेंड कर सकता है और वीआई कुछ पोर्शन यहाँ पे परचेस कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये रहने वाला है कि एयरटेल और जियो दोनों ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारा 5G बहुत जल्द आने वाला है, तो वो मिलकर दोस्तों अच्छा खासा स्पेक्ट्रम परचेस करेंगे। खास करके मेरी नजर होगी दोस्तों एयरटेल पे कि एयरटेल 1800 MHz में कितना स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेस करेगा, जिसे दोस्तों उसने टेस्ट रन यहाँ पे किया हैदराबाद में जहाँ पे 450 MBPS की स्पीड 1800 MHz के बैंड पे लेके आ चुका है। अगर ये सक्सेसफुल जाता है पूरे भारत में दोस्तों, अगर ये पर्टिकुलर बैंड के ऊपर अगर एयरटेल अपना 5G बिछाता है तो ये बहुत कड़ी चुनौती होने वाली जियो के लिए, क्योंकि दोस्तों ये 4G में ही आपको 5G की स्पीड दे रहा है। तो देखने वाली चीज है दोस्तों दोनों कंपनी किस तरह से टकराएगी, लेकिन फिलहाल एक चीज क्लियर हो चुकी है 1 मार्च से जो सौदा होने वाला, जो सेल लगने वाली स्पेक्ट्रम की, जहां पे जियो एयरटेल वीआई भाग लेने वाले और हजारों करोड़ की दोस्तों बिक्री भारत सरकार को होती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।